गुड मॉर्निंग जी। तो बड़े दिन हो गए वीडियो डाले हुए, बाइक सर्विस भी करनी थी। तो आज ये अपना V3 है 2018, नॉन ABS, जस्ट पहले ली थी। बाइक सही चल रही है वैसे, ऑलमोस्ट 9500 हो गई, 9000 पे करनी थी सर्विस। तो आज इसका सर्विस का टाइम है। ये टूल्स वगैरह रखे हुए हैं उधर भी, ये इधर भी, एयर फिल्टर भी और इंजन ऑयल हम ये यूज़ करेंगे, यामा ल्यूब। तो मैं बता दूँ थोड़ा सा क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक तो इसके ये ऑयल फिल्टर के लिए खुलेंगे, जिसके लिए V2 में या V1 में ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर V3 में ये कवर निकालना पड़ेगा पहली चीज़। तो चलिए ये खोलते हैं। तो ये टूल किट है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ में ये भी आता है, ये भी, और इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे बिट्स मिल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, जैसे देखते ही पता चल रहा है, ये वाला बेट इधर, ये वाला बिट ये इधर इसको खोलने के लिए लगेगा, और ऊपर भी, और आगे तो खैर चार वाला पेचकस है। चलिए खोलते हैं। तो ये बाहर आ गया एक। दूसरा ये निकल जाएगा, ले लीजिए। बस अब एक तो ये इधर रह गया है, दिख रहा होगा आपको, और एक इसके नीचे से निकलता है। वो कैसे निकलता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसे खोल लेते हैं। बाहर आ गया। अब थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ ये वाला जो होता है इसमें एज सच कोई खास दिक्कत नहीं होती है। वैसे छोटा वाला बिट स्क्रू ड्राइवर का लेके इसको थोड़ा लूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बस ये पेचकस डाल के ऐसे खींचा तो ये रिवेट ऐसे बाहर आ जाएगा। और बस अभी एक आखिरी रह गया, सपोर्ट के लिए छोड़ा था गिर ना जाए, बस ये भी बाहर आ गया और ये आपका पैनल बाहर आ जाएगा। अब आपका पूरा ऑयल फिल्टर क्लीन है, साफ़ है, और इसको हम रिमूव करेंगे। मगर रिमूव करने से पहले हम पहले करेंगे इंजन ऑयल ड्रेन। चलिए उस पर जाते हैं अब। हाँ जी, तो ये अब इंजन ऑयल ड्रेन के लिए खुलेगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला, और इसके लिए रहता है हमारा 19 नंबर का। तो उसके लिए मैंने ये टूल खरीद रखा है, इसको यहाँ से डाल के, याद रखिएगा ये साइड स्टैंड की तरफ हमें पीछे की तरफ घुमाना है, अगर आप इंजन के राइट साइड से खोल रहे हैं तो। ये करके थोड़ा सा बस ये लीजिए, और ये खुल गया है। तो ये एक कंटेनर नीचे रख लिया हमने, यहाँ पे ही ड्रेन होना है सारा। एक सेकंड और ढीला करना पड़ेगा इसे, हाथ से घूम जाएगा। इसमें अंदर एक स्प्रिंग भी होता है और एक स्ट्रेनर भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। स्प्रिंग अंदर गिर गया, कोई बात नहीं, और इंजन ऑयल आ गया आपका। स्प्रिंग हम भी उठा लेते हैं, इससे पहले कि भर जाए पूरा, और ये आपका स्प्रिंग और स्ट्रेनर आ गया। बस ऑयल भी ड्रेन करते हैं। ठीक है, इंजन ऑयल तो ठीक है वैसे, बस चेंज कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट निकल चुका है, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा
माफ़ करिएगा, आसपास वाले शोर करते ही रहते हैं। बस ये हो चुका है और इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। अब ऑयल फिल्टर खोलेंगे, तो चलिए उसे खोलते हैं। अब वहाँ से भी थोड़ा सा तो निकलेगा। तो ये नया ऑयल फिल्टर है, 175 रुपीज़ का, और ये पार्ट नंबर है अगर देखना हो तो। और बाकी चेंज करने के लिए ये खोलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लगती है 8 नंबर की की। ये छोटे वाला सॉकेट रेंच रखा है मैंने, थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। इनको कभी भी ज़्यादा टाइट मत करिएगा, ये दिक्कत देते हैं। यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, उधर से तो निकल गया है, इसी वजह से पहले वो खोलना होता है। और बस इसे खोलता हूँ अभी। तो ये तीनों खुल गए हैं। बस एक चीज़ में आगे ध्यान रखने की होती है कि जो सबसे आगे वाला सबसे नीचे वाला होता है ये सबसे लंबा होता है, और ये दोनों होते हैं छोटे। ये निकल गया, बस इसको ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा कहा था मैंने, ऑयल निकलेगा। ओरिंग भी साथ आ गई है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे ज़्यादा आपके ऑयल लीक हो रहा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो ओरिंग है ये भी चेंज करनी पड़ेगी। मेरा लीक नहीं हो रहा था तो मैं चेंज नहीं कर रहा। और ये इसका आ गया ऑयल फिल्टर शराफत से बाहर। बस इतना ही निकलना था, थोड़ा सा टपकेगा। चलिए निकलने देते हैं, ड्रेन होने दे जितना निकल जाए। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग हो गई नए ऑयल फिल्टर की। ये अभी अंदर चला जाएगा थोड़ा सा गीला होके, और पुराने वाले को इसमें डाल के इसको आगे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो मैंने भी 5 मिनट बाइक को थोड़ा सा ड्रेन होने दिया ऑयल, और अभी ओरिंग में ठीक से बिठा रहा हूँ, साफ़ कर लिया अंदर का। इससे ज़्यादा टेंशन नहीं है, सब साफ़ ही था। और ये लेके एक बार फिर से बाहर, क्योंकि लीक नहीं हो रहा था तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे जैसे मैंने बोला। तो ये सही बैठ गया है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, इसको बंद करना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपका नया ऑयल फिल्टर, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, पूरा भिगोने की ज़रूरत नहीं है, निक्का सा ऐसे। बाकी जब स्टार्ट होगी तो चली जाएगी, मगर थोड़ा सा पहले रहे तो दिक्कत नहीं है। और निकलेगा नहीं, एक दो बूंद गिर जाती है तो कोई बात नहीं। ये बस पूरा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और ये जो इसका ओपन वाली साइड आपको दिख रही है ये ऐसे रहेगी। हाथ पहुंच लेते हैं, ये साफ। और ये कवर नॉर्मल अपना अंदर चला गया, और बस। अब दूसरी चीज़ वही, ये लंबे वाला याद रखिएगा, ये इधर, ये आगे जाएगा। और ये जो छोटे वाले हैं ये ऊपर और एक पीछे। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका ज़्यादा, अपना सिंपल वही है, 8 mm के सॉकेट से ये सब बंद हो जाएंगे। तो मैं इनको टाइट करता हूँ, थोड़ा हाथ से टाइट कर लिया था। सॉकेट का पीछे वाला पोर्शन जोड़ के थोड़ा सा और अच्छे से टाइट, लीक वीक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना चूड़ी इंजन की अगर ख़राब हो गई तो बहुत ही महंगा सौदा पड़ेगा। देख के थोड़ा, यहाँ पे आपको लगे कि अपने आप खुलेगा भी नहीं और लीक भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सही है। तो बस इधर इसको टाइट कर दिया है, अब नीचे वाला लगाते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये ऑयल स्ट्रेनर भी साफ़ कर लूँगा। कहाँ है, हाँ ये रहा, ये ऑयल स्ट्रेनर भी साफ़ कर लूँगा, और ये नीचे का कवर भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे बस। तो अब ये फाइनल पार्ट है, और ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये मैंने साफ़ कर लिया था स्ट्रेनर भी और वो भी। अब ये याद रखिएगा, ये नीचे की कैप, सॉरी, ये नीचे की कैप, और इसके ऊपर ये ऐसे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे। और जब इसको वापस टाइट करना हो तो ये अंदर डाल के और आगे की तरफ घूमेगा दबा के थोड़ा सा, बस दैट इज़ इट। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक दो बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कुछ नहीं बचा, बस इसको ऐसे ही घुमाना है आगे की तरफ। और
और अब इस पॉइंट पे पहुंच के इसको टाइट कर देंगे। कोई ज़्यादा नहीं, चूड़ी नहीं घिसनी, दैट इज इट। तो नीचे का स्क्रू टाइट हो गया है, ऑयल फिल्टर नया डल गया है। अब बस इसको खोल के हमें इंजन ऑयल डालना है। ये हाथ से बंद करिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, काफ़ी मैकेनिक वगैरह इसको पता नहीं क्यों प्लास्ट वगैरह से टाइट कर देते हैं, मगर उसकी ज़रूरत है नहीं। और जैसा कि मैंने बोला था, यामा ल्यूब, और ये है आपका 10W40, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब बहुत लोगों को लगता है कि इसके लिए प्रॉपर एक कोई स्कूप वगैरह चाहिए, मगर नहीं, प्लास्टिक की बोतल काट के मैंने बस रैप करी हुई है। आई होप यू कैन सी दैट, और इससे बहुत आसानी से चला जाएगा। चलिए, टाइम लगेगा पूरा डालने में, मैं थोड़ा बंद करता हूँ फिर कंटिन्यू। तो इंजन ऑयल पूरा डल गया है, एक बार अब फुल स्टैंड लगा रखा है मैंने, ये जो यामा का आता है खरीद के एक्स्ट्रा, पूरा ऊपर तक आ गया है, इसको बंद कर देंगे। और एक चीज़ जो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, ये जो नीचे आपको साइलेंसर पर ऑयल दिख रहा है, बस इतना बंद बहुत है, इसको पॉज दीजिए, वरना बाइक स्टार्ट करते ही थोड़ा आगे जाएंगे तो ये धुआँ देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब उतना नहीं देगा, मगर थोड़ा सा देख के बंद हो जाएगा। तो ये था जी इंजन ऑयल का वीडियो। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इसका एयर फिल्टर चेंज। मैं हमेशा स्पेयर एयर फिल्टर रखता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पिछली बार निकाला था, इसको भी बस साफ़ करा के ले आऊँगा। आप सर्विस सेंटर से भी साफ़ करा सकते हैं, क्योंकि 3000 रुपये चेंज करना हो तो मैं तो 2000 रुपये कर देता हूँ। और टैंक खोल के बस अगला इसका वीडियो इसका डालते हैं। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।